मिले सुर पाकिस्तान और चाइना का, तो झुंड बने जहादियों का। दाढ़ियां नोची, टोपी उतरवाए, मस्जिदें जो हैं वो तोड़वाई, और इस्लाम के मानने वालों को चढ़ाने के लिए, उनको मजा चखाने के लिए जहां जहां पर मस्जिदें डेमोलिश करवाई, वहां वहां पर पैखाना बनवाया, मूत्रालय बनवाया, मूतने की जगह बनवाई। पैसा एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान अपनी माँ और बेटी बेचता है। ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा डेटा है। अरे जाने दे, भारत को चांद पे, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। माई गॉड, नंगा करके ना पिछाड़ में मारना चाहिए। चाइना के निंगिक्सा में 400 से 500 मस्जिदें डिमोलिश करके वहां पर पैखाना बनाया गया था। ये 2005 की बात है। चाइना जो मुल्क है उसको दोस्त कहते हुए थकते नहीं है। हमें एक चीज बताई गई, दोस्त मुल्क, और उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। उसकी हर चीज, अगर सुई से जहाज तक देखे, कहीं ना कहीं चाइना का ही नजर आता है पाकिस्तान में, और आधा पाकिस्तान चाइना के ही बिलबूते पे ही चल रहा है जैसे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है दोस्ती की। अगर दोस्त है तो दोस्त बनकर रहे। हमने देखा कि पहले भी बहुत ज्यादा मुसलमानों में चाइना पर जुल्म हो रहा, लेकिन आज तक हमें बताया नहीं गया, मेनस्ट्रीम मीडिया पे दिखाया नहीं गया, और कोई भी स्टेटमेंट ऐसी हमारे यहाँ से नहीं जाती चाइना के लिए। दूसरी तरफ हमने कल ही देखा कि चाइना में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया गया, और उसकी फ्लोर टाइल्स जो थी वो हमारे कल में की सूरते और इस तरह की चीजों की लगी हुई थी, और उसके ऊपर टेबल थी और लोग पाउंड रख के बैठे हुए थे। अंदर आते तो ऑब्वियसली पाउंड रख के आते, तो एक बहुत बड़ी बेहुर्मती हमारे इस्लाम की और हमारे कलमे वगैरह इन चीजों की। लेकिन स्टिल हमारे ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया गया, और ना ही यहाँ से कोई पॉलिटिशियन लेवल पर स्टेटमेंट गई चाइना के लिए। मैम, क्या वजूहत है कि हम चाइना के आगे बोल नहीं सकते, और वो मुसलसल अगेंस्ट इस्लाम चीजें करता जा रहा है? बाप बड़ा ना भैया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मिले सुर पाकिस्तान और चाइना का, तो झुंड बने जहादियों का। यही वजह है, यही रीजन है। हालांकि 400 से 500 निंगिक्सा में, चाइना के निंगिक्सा में 400 से 500 मस्जिदें डिमोलिश करके वहां पर पैखाना बनाया गया था। ये 2005 की बात है। 4,203 मस्जिदें डिमोलिश कर करके वहां पर शौचालय बनाया गया है, मूतने मूतने की जगह बनाई गई है। 2020 तक का रिपोर्ट है ये, और अभी 2021, 22 और 23 का रिपोर्ट आया नहीं है, वो भी आने वाला है। जो समिट होता है, जो ग्लोबली सबको पता चलता है। तो जब भी मैं आपके पाकिस्तान के किसी पत्रकार या किसी जर्नलिस्ट या किसी नेता के साथ जब मैं बैठती हूँ, और जब मैं उनको चाइना की बात कहती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो मैं कई बार ये पूरा डेटा लेकर के बैठती हूँ, कई बार, क्योंकि होता क्या है ना कि अवेसी जब भारत से कहता है कि, और राहुल गांधी जब भारत से चिल्लाकर कहता है कि भारत में मुसलमान डिप्राइव है, तो पाकिस्तान यकीन कर लेता है। लेकिन भारत का मुसलमान जब कहता है कि चाइना में इस्लाम की बेहुर्मती हो रही है और इस्लाम के मानने वालों की दाढ़ियां नोची जा रही है, तो आपके पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक देश के लोग मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है, और पैसा सबसे बड़ा आका और अल्लाह होता है मुसलमानों के लिए। भाई, पैसा एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान अपनी माँ और बेटी बेचता है। ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा है। ये इतना, ये 56 पेजेस के चाइना के डेटा है मेरे हाथ में, जिसमें उन्होंने क्यों, किस वजह से, किस लिए मस्जिदें तोड़ी हैं, और क्यों वो लाखों लाख इस्लाम के मानने वालों को वो एक रिहैब सेंटर जैसा बनाकर रखे हैं, जिसमें वो मुसलमानों को कैद करते हैं, अरेस्ट करते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं, और जब तक उस मुसलमान के दिमाग से इस्लाम का भूत नहीं उतर जाता है, तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है। क्योंकि चाइना की सरकार का ऐसा मानना है कि इस्लाम जो है वो जिहाद सिखाता है, इस्लाम जो है वो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट को रोकता है, इस्लाम जो है वो टेक्नोलॉजी को रोकता है, इस्लाम जो है वो साइंस और साइंटिस्ट को रोकता है, इस्लाम जो है वो एडुकेशन को रोकता है, इस्लाम जो है वो रिफॉर्मेशन और एक्सपैंड और इनहेंस करना जो कंट्री का काम होता है उसको रोकता है। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके साथ ही सेशन किया था, आई थिंक, मुझे जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मदीना मनवरा और अरब में सिनेमा हॉल बन रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस।
एक देश को चलाने के लिए सिर्फ तेल से नहीं चलेगा वो देश, उसको बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, इस्लाम सामने आता है। अब भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान रोड पर उतर गए थे, वो कह रहे थे कि मदीना अब सिनेमा हॉल नहीं खोल सकता है। तो उसी तरीके से जब भी चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को आगे करता था तो इस्लाम के मानने वाले रोड पे उतर जाते थे प्रदर्शन करने के लिए। जब भी चाइना अपने देश की उन्नति के लिए डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता था, साइंस की तरफ आगे बढ़ता था, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ता था, तो इस्लाम के मानने वाले रोड पर उतर जाते थे कि नहीं, ये गलत है, ये हमारा हमारा इस्लाम इस चीज के लिए मना करता है। तो इसलिए उन लोगों ने इस्लाम का भूत उतारने के लिए दाढ़ियां नोची, टोपी उतरवाए, मस्जिदें जो है वो तोड़वाई, और इस्लाम के मानने वालों को चढ़ाने के लिए, उनको मजा चखाने के लिए जहां जहां पर मस्जिदें डेमोलिश करवाई, वहां वहां पर पैखाना बनवाया, मूत्रालय बनवाया, मूतने की जगह बनवाई। और अभी जिस बारे में आप बात कर रही है वो चाइना के मेन सिटी में वहां पर एक रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा 5-स्टार रेस्टोरेंट खुला है जहां पर फैमिली गैदरिंग होती है। वहां के टाइल्स में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह लिखा हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया के एक फैशन डिजाइनर ने अल्लाह और मोहम्मद प्रिंट किया हुआ एक फैशन शो करवाया था, जो कपड़े में अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ था। तो सारे आपके पाकिस्तान के, भारत के, बहरैन के, इजिप्ट के सारे मुसलमानों ने, मतलब एक अजब तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जिहादी एक्टिविटीज के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक किया था कि इसको बैन करो, और ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था। वो सारे वीडियोस उन्होंने डिलीट किए थे, वो सारे कपड़े उन्होंने हटाए, और उस फैशन शो को ही मानो जैसे पूरा का पूरा गायब कर दिया गया, जिन कपड़ों में अल्लाह और मोहम्मद करके फैशन शो और रैम शो करवाया गया था। पर जब हर एक चीजों पर पाकिस्तान इतना मुंह खोलता है, इतना बोलता है, तो आज चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है, जबकि वो बिल्कुल खुले आम इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की बेहुर्मती कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पैसा है। अब मैं इसको बहुत छोटे अंदाज में अनम में आपको बता देती हूँ। मेरे भारत में शाही इमाम है इमाम बुखारी, उनके इकलौते बेटे की शादी हिंदू से हुई और उन्होंने बहुत धूमधाम से उसकी शादी की हिंदू से। इमाम बुखारी का बेटा कोई प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर के कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है। या जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है मेरे भारत में, या जितने भी उलमा उलूम, ये खारी, हाफिज, मुअज्जिन जितने भी हैं, आखिर इनकी लाइफ इतनी लग्जेरियस कैसे है, और आसपास के जो मुसलमान हैं उनकी लाइफ इतनी गरीबी में कैसे है, क्यों है? क्योंकि ये मजहब की किताब में बताते हैं कि अल्लाह उसको पसंद करता है जो गरीब होता है, अल्लाह उसको पसंद करता है जो मुफलिस होता है। जन्नत सबसे पहले उसको मिलती है जो गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारता है, और रोल मॉडल के तहत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है कि देखो हमारे रोल मॉडल चरवाहे थे, वो बहुत गरीब थे, वो इतने गरीब थे कि उनको 3 वक्त का सही से खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब शाही इमाम इमाम बुखारी रेंज रोवर पर बैठते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी पर बैठते हैं, तो वो हमारे रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो क्यों नहीं करते? उनके लिए पैसा इतना बड़ा क्यों हो जाता है? ये जितने भी अब तुम्हारे यहां मुफ्ती तारिक मसूद हैं, वो अपना YouTube चैनल चला रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, तो उनको तो YouTube बंद कर देना चाहिए, उनको तो WhatsApp बंद कर देना चाहिए। बीच में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था यही हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बिटवीन में, कि वो एक पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे और पेप्सी और कोको कोला का बोतल रखा हुआ था। तो आखिर उन्होंने वो सबसे पहले YouTube चैनल को वो क्यों नहीं आप वो बंद करते हैं? आपने मुझे एक बार याद दिलाया था
कि मैं बैंक गई थी तो बैंक वाले ने मुझसे बात की कि YouTube का पैसा जो है वो हराम है, ये आपने मुझसे कहा था। तो क्या ये हराम सिर्फ अनम के लिए है, मुफ्ती तारिक मसूद के लिए नहीं है, मुफ्ती तारिक जमील के लिए नहीं है, मौलाना इमाम बुखारी के लिए नहीं है, या वो जितने मौलाना जितने इस्लामिक प्रीचर हैं जो अपना अपना 9-9, 10-10 यूट्यूब चैनल खोल करके बैठे और डॉलर से पैसे कमा रहे हैं, क्या ये पैसा उनके लिए हराम नहीं है? ये तो उनके लिए सबसे पहले हराम है ना। आप मुलानी नहीं है और ना ही मैं मुलानी हूँ। हम जा करके लोगों के घरों में कुरान खानी नहीं करते और पैसे नहीं लेते हैं एनवेलप में। हम अल्लाह का कलाम 501 रुपए में नहीं बेचते हैं। तो हम ज्यादा अच्छे और बेटर मुसलमान है कि हम ब्लैक को ब्लैक बोलते हैं और व्हाइट को व्हाइट बोलते हैं। आज मुझे लोग बोलते हैं कि नाजिया सनातन धर्म की तारीफ करती है, लेकिन आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट लेडी जो चाइना में इस्लाम की बेहुर्मती हो रही है तो मैं आवाज उठा रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं इस्लामिक देश से कि चाइना में देखो टाइल्स लगाए जा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के, और लोग पैर 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 ले ले करके जा रहे हैं, जूता चप्पल पहन करके जा रहे हैं, जमीन का फ्लोर का टाइल्स लग रहा है। सही बात है मैम, आज की भी एक रिपोर्ट थी। हरनौज मुफ्ती जो है और मौलाना जो है वो एक बात बताते हैं, या अय्युहल लजीना आमनु ला ततक़िलु अबाउकुम व इख्वानकुम औलिया इन अस्तहिब्बु अलकुफ्र अलल ईमान वमन वमन यतवल्लहु मिनकुम फाउलाइका हुमुज ज़ालिमून। अपने भाई बहन को भूल जाओ, अपने माता पिता को भूल जाओ, अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ, पर अल्लाह और रसूल को मत भूलो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुरान का सूरा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये नाजिया इलाही खान नहीं कह रही है जो हनुमान मंदिर जाती है, जो सनातन की तारीफ करती है, ये कुरान का सूरा कह रहा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो पाकिस्तान इस्लामिक देश होने के बावजूद भी चाइना के कुरनीतियों को, चाइना की अश्लीलता को, चाइना के इस्लाम के खिलाफ बेहुर्मती पर आवाज नहीं उठा रहा है? तो फिर तो मैं ठीक ही बोल रही हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल मैम, आज की भी एक रिपोर्ट थी कि ह्यूमन राइट वॉच वालों ने एक आर्टिकल पास किया और उनका कहना है कि चाइना के अंदर 2 से 3 महसूस और खास जगह पर जो कि मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और आज की न्यूज पे भी जब मैं पाकिस्तानियों को बता रही थी उन्हें नहीं पता था, और कंटिन्यूसली मतलब किसी को नहीं पता था। ऑन द अदर हैंड नूरपुर शर्मा का जब हुआ था एक वाकया हिंदुस्तान में, तो उसी टाइम ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मतलब हिंदुस्तान के लिए हम आवाज उठा सकते हैं ना, अमेरिका के लिए ना, इजरायली प्रोडक्ट्स के लिए, और ना ही हम चाइना के लिए, और स्पेशली चाइना के लिए तो हम उठा ही नहीं सकते। मतलब इस तरह की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। खैर, और अक्सर उकात तो लोगों के बिजनेस होते हैं और वो डर जाते हैं, नहीं नहीं हम नहीं बात करेंगे, हमारा तो चाइना के साथ बिजनेस चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं पाकिस्तान में, नो डाउट। दूसरी मैम बात देखें हम, तो रही इस्लाम की बात, तो हमने दो चीजें देखी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच कर रहे हैं और अजान हो जाती है और वो एहतराम करते हुए माइक को नीचे करके खामोश हो जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे इस्लामिक देश के मानने वाले पीएम अजान हो रही होती है, उनको पीछे से बताया जाता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे आवाज आ रही है, सबर कर लो, मुझे आवाज आ रही है, वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, अपनी बात पूरी करते हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में एक फर्क है कि एक सनातन धर्म का मानने वाला वो अवतार है जो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देते हुए अपने धर्म की बताई हुई बातों पर भारत को आज इकोनॉमी में 5वें पोजिशन पर लेकर गया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है, और मैं बोलने से कतराऊंगी भी नहीं कि वो कट्टर हिंदू हैं। और आज भारत में 14% मुसलमान इसीलिए सर उठा करके जी रहा है, कमा रहा है, और खुशहाल इसलिए है, और मस्जिदों में भीड़ इसलिए है क्योंकि 9 साल में इस कट्टर हिंदू नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कभी भी किसी मुसलमान को डिप्राइव नहीं किया है या उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं रोके हैं। यहां तक के ये कट्टर हिंदू, ये भगवान राम को मानने वाला ये हिंदू नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भगवत गीता को मानने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब स्पीच के दौरान अजान होती है तो वो माइक नीचे करते हैं और लोगों को भी कहते हैं शांत हो जाओ, अजान हो रही है। अच्छा, ये इनकी अभी रिसेंट की तस्वीर है, वीडियो है,
अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ और वो भी आप शेयर जरूर कीजिएगा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो बैठ करके एक मीडिया में बोल रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं मानता जो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट ना करे, जब बिल्कुल वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, काफी यंग है मोदी जी, तो बिल्कुल उनकी विचारधारा तो हमेशा सेम रही है। लेकिन अगर अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी भारत के मुसलमान डरे हुए हैं, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, शायद डर खत्म हो जाएगा। अगर भारत के मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों में जा करके नमाज पढ़ने के बाद भी खुद को डिप्राइव समझते हैं, तो मंदिर जाना स्टार्ट कर दें, शायद शायद खुद को मजबूत समझना स्टार्ट कर लेंगे। अगर भारत के 14% मुसलमान, ये डरी हुई कौम, अगर मोदी जी के आने से डर गई है, तो अजमल कसब के आने अजमल कसब जब आया था तब क्यों नहीं डरी थी? अफजल गुरु जब आया था तब क्यों नहीं डरी थी? जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा तब क्यों नहीं डरी थी? जब पुलवामा हुआ था तब क्यों नहीं डरी थी? क्यों नहीं डरी थी? जब याकूब मेमन था तब क्यों नहीं डरी थी? जब हर रोज स्लीपर सेल आया करते थे भारत में और कहीं ना कहीं बम फोड़ा करते थे, तब ये मुसलमान की कौम डरती नहीं थी भारत में? आज क्योंकि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट नहीं आ पा रहा है भारत में, तो ये 14% मुसलमान की कौम भारत में डर गई है, बहुत जबरदस्त डर गई है। जब भारत में निर्भया जैसा बलात्कार का केस होता था और 15-15 लोग एक साथ एक लड़की को बलात्कार करते थे और उसके वर्जाइना में लोहे का रॉड एंटर कर देते थे, तब भारत के मुसलमान डरते नहीं थे? अब बलात्कार पे सख्त कानून बना दिया गया है तो भारत के मुसलमान डरने लगे हैं। जब भारत में मुसलमान नासिर खान, कादर खान सरे आम खुले बाजार में अपने कार में सुजर जॉर्डन एक क्रिश्चियन लड़की को उठा करके दो मुसलमान भाई बलात्कार करता था और रोड पे उसको नंगा छोड़ देता था, तो मुसलमान डरते नहीं थे? अब क्योंकि कानून सख्त है तो मुसलमान डरने लगे हैं। क्यों? जब 5 मुसलमान बांग्लादेशी आकर के पश्चिम बंगाल में, भारत के वेस्ट बंगाल में 72 साल की नन का बलात्कार किए थे चर्च के अंदर घुस करके, तब मुसलमान डरे नहीं थे भारत के? अब मुसलमान डरने लगे हैं? वाओ वाओ। जब कामदोनी का 8 मुसलमान मर्दों ने बलात्कार किया था और उसको जिंदा जला दिया था, तब भारत के मुसलमान डरे नहीं थे? अब डरने लगे हैं? ग्रेट। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रखी थी, तब भारत के मुसलमान डरे नहीं थे? अब डरने लगे हैं, क्योंकि अब कोई कर नहीं पा रहा है ऐसा। ग्रेट, बहुत बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब है कि भारत के मुसलमानों ने तो खुद से बता दिया कि वो जिहादी एक्टिविटीज के हैं, और क्योंकि भारत में कानून सख्त हो रहा है और जिहादी एक्टिविटीज करने को मिल नहीं रहा है, इसलिए मुसलमान डर गए हैं। जब जेएनयू में भारत हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लग रहा था, तब भारत के मुसलमान डरे नहीं थे? ओ माय गॉड, रियली? तब भारत के मुसलमान डरे नहीं थे? आज जब कोई ये नारा नहीं लगा सकता है और वो अरेस्ट हो जाएगा, तो भारत के मुसलमानों को डर लग रहा है? तो अपना चेहरा तो खुद ही बता रहे हैं भारत के मुसलमान। और अगर तब उनको लग रहा है और अवेसी चिल्ला रहे हैं और पाकिस्तान उछल रहा है कि अरे भारत में मुसलमान डिप्राइव है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ऑनर किलिंग में जो हर महीने 2783 लड़कियां जो बोटियां की जाती हैं ऑनर किलिंग के नाम पर, इस्लामिक इस्लामिक रिचुअल के नाम पर, उसके बारे में पाकिस्तान क्या बात करेगा? हे हिम्मत, आए मेरे सामने, मेरे पास पूरा डेटा है, पाकिस्तान नेशनल कमीशन का डेटा है, और वो भी पाकिस्तान के वेबसाइट का डेटा है जो यूएन में जमा हुआ था। आपके यहां 2022 में ऑर्गन ट्रैफिकिंग बस्ट हुई थी और आपके ही पुलिस ने बस्ट किया था। 883 लोगों का ऑर्गन एक साथ निकाला जा रहा था और जिसमें एक नेता भी शामिल था, और वो बेचता था करोड़ों रुपए में। उसके बारे में पाकिस्तान का क्या रिव्यू है? क्या बात करेंगे उसके बारे में? कुछ बात करना चाहते हैं? मैं तो बैठी हूँ बात करने के लिए, मैं तो कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हूँ। बुला लीजिए 10-12 लोगों को, ब्लॉक में हम बात करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लाइव पे जाएंगे कन्फ्रंटेशन में, मैं डेटा के साथ बात करूंगी।
बिल्कुल मैम, हम चाइना के लिए नहीं बोल सकते, हम किसी बात पे नहीं बोल सकते, सिवा हम बोल सकते हैं तो हिंदुस्तान और कश्मीर के लिए बोल सकते हैं, अदरवाइज हम किसी चीज के लिए बोल सकते हैं। इवन यहाँ की यूथ, यहाँ की छोटे छोटे बच्चे को पता है भारत का मतलब बुरे लफ्जों में या कश्मीर का कि जुलम हो रहा है, लेकिन चाइना के बारे में कुछ नहीं पता। चाइना के बारे में पूछा जाए या किसी और के बारे में कितनी पूछा जाए कुछ नहीं। बेवकूफी और कितनी इडियोटिक और नॉनसेंस बात है कि आपके युवा ये कहते हैं, अरे जाने दे भारत को चांद पे, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। माय गॉड, नंगा करके ना पिछाड़ में मारना चाहिए ऐसे मुसलमान लड़कों को। और यही रीजन है कि आज मुसलमान इतना